हे गाइस, वेलकम टू शिवू टैंक्स। मैं हूं आज मुंबई में और हम विजिट करेंगे एक्वा नेचर एक्वेरियम स्टोर जो है बोरीवली वेस्ट में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड एज अ हॉबिस्ट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में जो कॉन्वर्जेशन है उससे। तो प्लीज वीडियो पूरा देखें एंड डू सब्सक्राइब टू शिवू टैंक्स फॉर मोर सच वीडियोस। एक्वा नेचर स्टोर को जाने माने हॉबिस्ट अमित मांजरावाला सर ने स्टार्ट किया था कुछ 10 या 15 साल पहले। एंड आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव क्रिएटेड देयर ओन एक्वेरियम प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आई वॉज होपिंग टू मीट अमित सर बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज आई केम टू विजिट दिस स्टोर ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। हाउएवर आई डिड एंड अप मीटिंग एंड हैविंग लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस विद संदीप सर, हु इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस्ड हॉबिस्ट एंड द स्टोर मैनेजर एट एक्वा नेचर। एंड आपने अभी तक एक्वा नेचर के प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू ट्राई इट वंस। आई पर्सनली यूज देयर प्रोडक्ट्स एंड रिजल्ट्स आर मोर देन सेटिस्फैक्ट्री। दे सेल ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्वेरियम, विच इंक्लूड्स इक्विपमेंट्स, फिशेस, फूड, प्लांट्स एंड सो ऑन। दे ऑल्सो सेल ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट एंड देयर ओन एक्वा नेचर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन अमेजन टू। अगर आप मुंबई से नहीं है एंड IABDF का एक्वेजिक इवेंट अटेंड कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपको ये स्टोर एंड इनके प्रोडक्ट का पता होगा। If not, then I'm right here to share my completely unbiased experience with all of you. Thank you.
तो गाइज आज हमारे साथ है संदीप सर, हम हैं एकोनेचर मुंबई में और संदीप सर हैं यहाँ के स्टोर मैनेजर और ये हमें सारा वॉक थ्रू करवाएंगे प्लांटेड एक्वेरियम्स गैलरी का और जो एकोनेचर के प्रोडक्ट्स हैं इसके अलावा जो और भी प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं वो, एंड देन विल गो टू दी फिशेज सेक्शन जहाँ पे जो भी फिशेज हैं वो भी चेक करेंगे। तो संदीप सर वेलकम टू शी फूड टैंक्स। हाय। तो ये हम दूसरी बार मिल रहे हैं, इसके पहले गाइज आप लोगों को बता दूँ मैं संदीप सर से पहले मिला था एक्वेजिक में जो कि मुंबई में हुआ था, एंड वहाँ पे मैंने एक्वानेचर के प्रोडक्ट्स वगैरह देखे एंड उसके बाद मैं देन आई स्टार्टेड यूजिंग एज वेल। तो आई थॉट ऑफ विजिटिंग द स्टोर एंड फाइनली वी आर हियर। तो शैल वी गेट स्टार्टेड सर? यस। तो सर एक चीज़ मैं उससे पहले पूछना चाहूँगा कि एक्वानेचर का लाइक स्टोर कब इस्टेब्लिश हुई थी, अमित सर ने कब ये सोचा था कि यार ये ऐसा कुछ बनाना है, हो सकता है पहले स्टोर शायद छोटी हो फिर उसको एक्सपेंड किया फिर आखिर वो एक्वानेचर प्रोडक्ट्स पे आ चुके हैं, आप लॉन्च कर दिए और आई थिंक और भी प्रोडक्ट जो आने वाले हैं, तो जर्नी ये स्टार्ट कैसे हुई थी सर? उन्होंने स्टार्ट किया था एक ऑलमोस्ट 12 इयर्स 14 इयर्स पहले, कुछ नेक्स्ट बिल्डिंग में था, पहले छोटा शॉप था, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर आके ऑलमोस्ट अभी 10 इयर्स प्लस हो गए और तब से यहीं पर है, मतलब ऑलमोस्ट यहीं पर है। ही वॉज एन हॉबीस्ट और उनको कुछ अलग देना था, मतलब कि सारे प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो जनरली अवेलेबल नहीं रहते, कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, फूड है, तो और प्लांटेड में उनको कुछ अलग करना था, तो वो उनका विजन था एक्चुअली शॉप के पीछे ओके करने में। तो आई थिंक सर मोस्ट ऑफ वो सक्सेसफुल है, राइट, जो उन्होंने हॉबीस्ट को दिया है, तो आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी इतने सारे चीजें एक रूफ के नीचे रखना मैनेजेबल इतना इजी नहीं है। एब्सोल्युट जो उन्होंने किया है। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक ये तो कमेंडेबल जॉब किया है सर ने और आई थिंक अमित सर को सर हॉबिस्ट कम्युनिटी में आई थिंक सारे लोग ही जानते हैं, काफ़ी बड़ा नाम है उनका, एंड फिर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लेके आना जो कि मेड इंडिया है, खुद की मैनुफैक्चरिंग करना एंड देन सेल एंड देन मार्केटिंग, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट आई थिंक सो, एंड उसके बाद एक नाम बनाना, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे यूएस के प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं, हम कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, एंड आई थिंक किसी को तो लगा कि कोई ऐसी नीड है कि हम अपने खुद प्रोडक्ट्स बनाएं मेड इन इंडिया हो एटलीस्ट, एंड आई थिंक देर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। तो आई विश फॉर ऑल मेड इंडिया प्रोडक्ट्स कि सबके सब अच्छा परफॉर्म करें, नॉट जस्ट एक्वानेचर, बट जो बेटर होगा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सर हम फिर प्लांटेड टैंक सेक्शन कवर करें। श्योर। तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो इसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं शॉप। राजेशी पेलिडोरियम है, बेसिक है, अभी फिश का इन्वॉल्वमेंट भी है, काफी सारे फिश रख सकते हैं, अभी उसमें कुछ ब्लैक वाटर लुक है बिकॉज ऑफ द न्यू वुड हम लोगों ने डाला हुआ है उसमें, राइट, और एज यूजुअल ऊपर सारे आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एक्वाटिक प्लांट्स दोनों का मिक्सचर है, और हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कलर उसमें ऐड करने की कोशिश की है, राइट। एक जनरल ऑडियंस के लिए सर एक एडवाइस की
अगर किसी को लग रहा हो कि पैलोडेरियम सिर्फ एग्जॉटिक प्लांट से बनता हो तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, राइट? ऐसा नहीं है, मतलब ये तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है एब्सोल्युटली कि बेसिक प्लांट लेके भी आप कर सकते हो और वो होता है पॉसिबल, राइट? वाइज आई थिंक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स काफी सारे हैं यहाँ पे, कई लोग अपने घर में भी उगाते हैं ये। और राधर आपके इंडोर में या तो गार्डन में जितने अच्छे से होते हैं उससे बेटर उसका यहाँ पर वर्जन दिख रहा है, मतलब जो उनका जो अपियरेंस है वो राधर बेटर है, लैंड से ज्यादा वो यहाँ पर अच्छे ग्रो हो रहे हैं, राइट? और यहाँ पर तो कुछ भी सॉइल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, राइट? जो है सब स्पॉन्ज के ऊपर है, राइट? और स्टोन्स के ऊपर है, राइट? तो अगर किसी को सर ऐसा पैलोडेरियम बनाना हो, एकदम ऐसा भी नहीं चाहे प्रो लेवल नहीं, एक जनरल हॉबीज जो स्टार्ट कर रहा हो या फिर जैसे थोड़ा बहुत आता हो, राइट? बट उसे कुछ एक छोटे से पॉइंटर से गाइड मिल जाए कि अच्छा मैं ये चीजें ले सकता हूँ जिससे मेरा एटलीस्ट एक बेसिक पैलोडेरियम बन जाए। जरूरी नहीं है 4 feet, 5 feet का हो, आई थिंक 2 feet, 3 feet या उससे भी कम में भी बन सकता है, राइट? तो उसके लिए बेसिक चीजें क्या हो सकती हैं? बेसिक चीजें आप थोड़ा सा टेम्परेचर अगर कंट्रोल कर पाए तो दैट वुड बी बेटर, बिकॉज टेम्परेचर के ऊपर ही सारा खेल है प्लांट्स का। रादर सेकेंड थिंग, आपका जो ड्रिपिंग वाटर है तो कंटिन्यूस प्लांट्स के रूट्स को ऑक्सीजनेटेड पानी मिल रहा है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज वो उतना अच्छे से प्रॉपर ग्रो हो रहा है कोई भी प्लांट, राइट? तो वो पानी का जो आपका जो ड्रिपिंग मेथड है कि सर्कुलेट हो रहा है पानी कंटिन्यूसली, इस वजह से वो इतने अच्छे हो रहे हैं, राइट? तो यानी कि पीछे स्पॉन्ज या कुछ ऐसी चीज है जिससे पानी नीचे भी आ रहा है, राइट? ऊपर जाके नीचे, हाँ। और न्यूट्रिएंट्स बोले तो मैं एक्चुअली मैं तो मेरा ही न्यूट्रिएंट यूज करता हूँ जो हम लोग खुद बनाते हैं, एक्वा नेचर का फ्लोरा कंप्लीट, राइट? तो मैं वही यूज कर रहा हूँ और उसपे रिजल्ट तो आपके सामने ही है, राइट? देख सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टैंक। ये एक छोटा सेटअप है 18 इंचेस जो स्टैंडर्ड साइज होता है 18x9x10, तो वो है एक सिंपल सेटअप है कि कार्पेट और कुछ स्टोन्स और एकदम बेसिक। अभी इसमें ज्यादा फिश नहीं है, इसमें फिश आ जाएगा लेकिन स्टिल एकदम बेसिक अगर किसी को करना है छोटे जगह में ये प्लांटेड करना है तो कर सकते हैं। और उसमें भी आप देखें तो दो कार्पेट मिक्स है, राइट? एक मोंटे कार्लो भी है, हेयर ग्रास भी है, डॉफ हेयर ग्रास, राइट? तो दोनों मिक्स होके अच्छे लग रहे हैं, राइट? मेरे हिसाब से अक्सर लोग अगर जो ज्यादा प्लांट्स ले लेते हैं एंड फिर कोशिश करते हैं बिना CO2 के उगाने की, तो आई थिंक उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप कार्पेट एक कोई सा भी ऐसा ले लीजिए और उस पर सेट करिए, राइट? ये लिक्विड CO2 पे भी काफी हद तक पॉसिबल है, राइट? ट्रायल एंड एरर है, व्हेन यू गो फॉर लिक्विड CO2 तो इट इज ट्रायल एंड एरर, तो आप सारा कुछ ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा, राइट? तो नथिंग लाइक इट, अगर हो गया, अगर आप लिक्विड CO2 अगर प्रॉपरली डिसिप्लिन से डोज करते हो, फर्टिलाइजर डोज करते हो, तो कुछ हद तक हो जाता है, राइट? और उसके बिसाइड अगर आप देखें कुछ एक सेटअप है मेरा बॉन्जाई जो काफी सालों से ट्रेडमार्क है वो हम लोगों का, पहले उसके ऊपर मोंटे कार्लो हुआ करता था, अभी मॉस थोड़ा सा अलग कुछ लुक किया है, राइट? 2 feet का टैंक है। एंड सर एक मैं लाइट का पूछना भूल गया, इसमें जो लाइट है ये सनसन की लाइट चल रही है, राइट? एंड सेम इस टैंक में भी सनसन है, राइट? अगर हम फिल्टर की बात करें तो फिल्टर इस दोनों टैंक में कौन सा होगा? अभी तो मैं कैनिस्टर ही यूज कर रहा हूँ, ओके? अभी इसमें मैं हाइडोर्गे यूज कर रहा हूँ, ओके? और इसमें हैंगऑन है, जो छोटा टैंक है उसमें हैंगऑन है, पर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू एवरी हॉबीस्ट कि अगर प्लांटेड के लिए जा रहे हैं तो कैनिस्टर अगर यूज करें इट वुड बी ऑलवेज बेटर फॉर योर टैंक। कैनिस्टर की भी सर ऐसे काफी वैरायटी रहती है, HOP कैनिस्टर्स भी आते हैं एंड देन उससे बड़े कैनिस्टर्स भी आते हैं। बड़े कैनिस्टर्स जो है जो टैंक के नीचे आप रखते हैं दैट इज ऑलवेज एनी टाइम बेटर, राइट? ऐसा है। तो आई थिंक एक इसमें अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो कैनिस्टर बड़े होते हैं तो उसमें बायोमीडिया की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है,
जिससे तो है कि अगर उसका सरफेस एरिया बड़ा है तो आपका मीडिया आप ज्यादा डालते हो, मीडिया ज्यादा डालते हो तो पॉपुलेशन आपका गुड बैक्टीरिया का बढ़ता है, राइट, एंड दैट इज द रिजल्ट आपका टैंक जो है उसकी जो क्लैरिटी है पॉलिशिंग जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट, वो मेंटेन रहती है, राइट, क्योंकि आप सरफेस एरिया ज्यादा दे रहे हो, राइट। तो आई थिंक गाइज आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई शॉपकीपर या हॉबिस्ट आपको कैनिस्टर रिकमेंड कर रहा है तो उसके पीछे कोई एक वजह है कि क्यों कर रहा है, बिना मतलब के कोई आपको रिकमेंड नहीं करेगा। तो अगर आप कैनिस्टर ले पाए तो बिल्कुल लीजिए, बहुत सारी वैरायटीज में अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप उनके पीछे का साइंस थोड़ा जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कैनिस्टर क्यों काम आते हैं। अक्सर लोगों को आपने कई जगह पे देखा होगा कि DIY सम्प भी यूज करते हैं लोग, काफी बड़ा बना रहे हैं, आई थिंक उसका रीजन यही है कि बायोमीडिया की स्पेस बहुत है, राइट। और सम्प आप जो यूज करते हो दैट इज मोर ऑफ, अगर आप मरीन टैंक्स अगर हैंडल कर रहे हो तो मरीन टैंक्स में ऐसा है कि बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, राइट, तो सम्प में जितना एजिटेशन होता है पानी का उस वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत इंक्रीज होता है, तो इस वजह से वहां पर सम्प यूज करते हैं। वेयर एज फ्रेश वाटर अगर है तो आपका कैनिस्टर तो भी काम हो जाता है, मतलब 6 फुटर टैंक्स भी कैनिस्टर पे इजीली मैनेजेबल है, रादर देन गोइंग फॉर सम्प। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टैंक। यहाँ पर ये टैंक में अगर आप देखें तो थोड़ा स्टोन्स है, ड्रैगन स्टोन्स, कुछ सैंड है फ्रंट में तो ओशन बेड जैसा है वो, और यहाँ पर ज़्यादातर प्लांट्स आप देखेंगे तो एपिफाइट्स है, जैसे आपका अनुबियाज है, इसके अंदर आपका पिनाटिफिडा है जो सॉइल में भी होता है और सरफेस पे भी होता है, किसी हार्ड सरफेस पे जो स्टोन या वुड के ऊपर करते हैं, और बुसेफिलांड्रा है। तो यहाँ पर दोनों का मिक्सचर है, आपके कुछ स्टेम प्लांट्स भी है, कोई मिड ग्राउंड है, कुछ अनुबियाज है, बुसेफिलांड्रा है, जावा फन है, इवन बेसिक सेटअप है, इजी टू मेंटेन, मॉस है, और ये हम लोगों का बेसिकली श्रिम्प टैंक है, इसमें जो स्टॉक आता है श्रिम्प का वो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हाइडिंग स्पेसेस है जैसे आप देख सकते हैं, तो उस वजह से वो लोग बहुत अच्छे से रह पाते हैं इसके अंदर। अभी भी कुछ कुछ आपको दिख रहे होंगे, येलो श्रिम्प्स है, ब्लैक श्रिम्प्स है, ब्लू श्रिम्प्स है, ऑरेंज श्रिम्प्स है, राइट। एंड ये जो हाइग्रोफिला है ये अक्सर वैसे रेड भी हो जाते हैं अंडर लाइटिंग कंडीशंस। अगर आप इसको अभी हम लोग तो कैसे ट्रिम करते रहते हैं, जितने एक्सपोज्ड हैवी लाइटिंग के नीचे अगर रहते हैं वो, राइट, तो वो रेड कलरेशन आता है उसके ऊपर, राइट, पिनाटिफिडा। एंड इसमें लाइट कौन सी है सर? ये इसमें लाइट अभी शिरोस की लाइट है, RGB है, ये काफी पुराना मॉडल है। अभी तो इसमें प्रो लेवल आ गए हैं, WRGB आ गया है, ये जो है ये RGB मॉडल था, काफी मतलब हम लोग अभी 4-5 इयर्स इसको यूज कर रहे हैं, 60 सेंटीमीटर के लिए। हाँ, तो A601 सीरीज थी शायद ऐसा। हाँ, तो ये A सीरीज ही है, ये काफी पुराना मॉडल है अभी, लेकिन स्टिल इट इज वर्किंग, राइट, उतना ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है, लेकिन स्टिल इट कैन सर्व, मतलब रेड प्लांट्स को वो अच्छे से सर्व कर रहा है अभी भी, उसमें ग्लैंडुलूसा वैरायटी है लुडविगिया का, राइट, इट इज स्टिल गुड इन कंडीशन। एंड इसमें फिल्टर कौन सा है? इसमें भी फिल्टर मैंने अभी कैनिस्टर ही लगाया हुआ है, ओके, हाइडोर का एक फिल्टर लगाया हुआ है, ओके। और इन टैंक्स के ऊपर जो प्लांट्स है सर, ये सारे टिश्यू कल्चर प्लांट्स है, एज वी नो स्टिल वाटर एक्वाटिक्स के, राइट, और मतलब जो सेफ है आपके स्नेल्स वगैरह, स्नेल फ्री वगैरह प्लांट्स है, इस वजह से टिश्यू कल्चर बहुत सारे ऑब्वियसली अभी टिश्यू कल्चर ही प्रेफर करते हैं रादर देन पॉटेड प्लांट्स। ऑब्वियसली कॉस्ट में थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन ऑलवेज बेटर है ये प्लांट्स, राइट, और आपको बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाती है इसके। आई थिंक स्टिल वाटर एक्वाटिक्स काफी टाइम हो चुका है इंडिया में, अगर आप टीसी कल्चर की वैरायटीज देख रहे हैं तो आपको वहां बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। इसके अलावा सर ऊपर जो टैंक है ये प्रीस्केप टैंक है, तो ये प्रीस्केप टैंक से अगर किसी हॉबीस्ट को बहुत जल्दी सेटअप करना है, या तो थोड़ा स्केपिंग स्किल्स थोड़ा कम है और उनको स्टिल अगर स्केप टैंक्स चाहिए, हर किसी को स्केपिंग आता नहीं है, धीरे धीरे कोई भी सीखता है, लेकिन किसी को अगर एकदम पिक्चर फिनिश टैंक चाहिए तो इसमें आपको सिर्फ घर ले जाना है, एक फिल्टर डालना है, लाइट डालनी है और प्लांट्स, दैट्स इट, आप यू आर रेडी टू स्टार्ट, राइट।
तो ये कुछ तीन प्लांटर टैंक्स थे, एंड इसके अलावा यहाँ साइड में एक मिलेगा एक सिकलेट टैंक। ये एक बेसिक हार्डस्केप है विथ वुड एंड स्टोन्स, रैंडम सेटअप है, तो इसमें आप सिकलेट्स को हाइडिंग स्पेसेस मिलते हैं, तो एक दूसरे से वो शाय आउट कर सकते हैं, एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, और उनको अपनी टेरिटरी मिलती है। जैसे सिकलेट टैंक में आपको टेरिटोरियल बहुत रहते हैं, वो तो आपको टेरिटरी उनको देनी पड़ती है, इस वजह से ये हार्डस्केप है, बेसिक हार्डस्केप है, इसको इम्प्रोवाइज एनी टाइम बहुत कर सकते हैं अगर। राइट, आई थिंक लोगों के लिए एक और ऑप्शन ये है, अगर आप प्लांटेड टैंक, फुल प्लांटेड टैंक सेटअप नहीं करना चाहते, तो एज एक हार्डस्केप भी बना सकते हैं। राइट, रिवर स्टाइल्स जैसा हो सकता है, उसके लिए आपको वुड और बड़े स्टोन्स भी लेंगे, छोटे स्टोन्स भी हो सकता है, एंड देन सैंड एज यू कैन सी उसमें भी जो सैंड भी है वो कोरल सैंड है, तो जो एरेगनाइट सैंड बोलते हैं, तो दैट इज फॉर बेनिफिट ऑफ योर सिकलेट, तो वो आपका पीएच रेज करता है। ओके, तो सिकलेट को ज्यादातर आपको उनको हाई पीएच राइट, उस वजह से वो सैंड है स्पेशली, मतलब वो तो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी काम आ रही है, और सेकंड थिंग वाटर केमिस्ट्री को भी वो बफर कर रही है। राइट, सिकलेट्स के हिसाब से आई थिंक कंफर्टेबल रहते हैं। करेक्ट, आई थिंक ये उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शंस हैं जिनके घर में शायद हार्ड वाटर आता है, तो हार्ड वाटर तो प्रॉब्लम उनका पीएच भी ज़्यादा रहेगा, तो अगर आप ऑप्शंस ऐसे देख रहे हैं तो आप एक सिकलेट टैंक रख सकते हैं। एंड सर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक लेक मलावी और लेक टंगैनिका में से आई थिंक टंगैनिका में ज़्यादा पीएच वाली मछलियाँ रहती हैं। अभी इसके अंदर भी आप देखें तो दो फिशेज हैं, आप जैसे लेक मलावी बोल रहे हैं, राइट, तो आपके जो ये अफ्रीकन सिकलेट्स हैं और उसमें कुछ तंगानिकन सिकलेट्स एज इन फ्रंटोसा, राइट, तो दोनों ही है, लेकिन फ्रंटोसा और उसके साथ थोड़ा मिक्स मैच है, क्योंकि फ्रंटोसा यूजुअली लार्ज ग्रोइंग फिश है। करेक्ट, लेकिन स्टिल अभी स्मॉल, मतलब जुवेनाइल है, तो इस वजह से उनके साथ कंफर्टेबल है, ना कुछ फाइट हो रही है ना कुछ, राइट, सब कंफर्टेबल है, तो स्टार्टिंग स्टेज से आप रखोगे तो रख सकते हो, तो दोनों लेक के फिश है इसमें। राइट, एक मेरा क्वेश्चन या क्विक क्वेश्चन कि जैसे हमने यहाँ पे मलावी और तंगानिका सिकलेट्स को एक साथ रखा है, All these are African cichlids. Yeah. But कई लोग हैं जो African and American भी mix कर देते हैं। तो उस केस में क्या issues हो सकते हैं? उस केस में ऐसा है कि कुछ aggressive ज़्यादा होते हैं, कुछ variety aggressive कम है। लेकिन still आपका tank कितना huge है, उसके ऊपर depend है। अगर आप territory देते हो तो still it is manageable, लेकिन it is always on stake कि fight कर सकते हैं या नहीं, आपको उनका tummy full रखना पड़ेगा, खाना वैसा टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, तो कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन रादर आई वुड सजेस्ट कि आप अलग अलग रखो तो ज्यादा बेटर। राइट, लाइक जैसे जियोफैगस आते हैं, जैसे हम लोगों ने पेलेटोरियम सेटअप में देखा था, तो जियोफैगस और आप ये सिकलेट रखोगे तो ऑलवेज जियोफैगस थोड़ा सा माइल्ड है वैरायटी, वो डिस्कस के साथ भी रहता है, डिस्कस right. फिश के साथ या कुछ कम्युनिटी फिश के साथ रह लेता है, लेकिन ये कम्युनिटी फिश में जाएंगे तो ये मे बी किसी को अटैक करते हैं, राइट, ज्यादा एग्रेशन के वजह से, तो वैसा मिक्स मैच ना करें तो इट वुड बी ऑलवेज बेटर। राइट, और इसमें आपके सारे ही कलर्स कवर हो जा रहे हैं, आपको मल्टीपल कलर्स मिल रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि यही रखेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा टैंक। राइट, एक और क्वेश्चन है सर मेरा सिकलेट टैंक्स को लेके, सिकलेट फिश काफी बड़ी हो जाती है, आई थिंक इनको ग्रुप में ही रखता है ऐसा है, एंड टैंक्स भी बड़े लगते हैं, तो उसके लिए फिर फिल्टर्स भी बड़े लगते हैं, बिकॉज ये गंदा भी उतना ही करती है। राइट, वही इसीलिए मैं एम्फेसाइज वही बात पे करूंगा कि अगर आप आपके पास स्पेस है उतनी रखने के लिए, और अगर आप बजट वाइज भी जाते हैं, तो कैनिस्टर में भी आपको बजटेड कैनिस्टर आते हैं, ऐसा नहीं है कि हाई एंड कैनिस्टर ही है। ऑब्वियसली हाई एंड कैनिस्टर लेने से आपका ये बेनिफिट है कि आपको लॉन्ग रन में उसके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ लोकल ब्रांड्स भी हैं जिनके और उसका भी कुछ एक सॉल्यूशन हम लोग थोड़े टाइम में लाएंगे, मे बी कैनिस्टर के रिगार्डिंग, कि कुछ कैनिस्टर बजटेड में अगर कुछ आता है बट येट क्वालिटी मेंटेन्ड, तो वो भी कुछ एक्वा नेचर कुछ कुछ टाइम में आ जाएगा, आपको पता चलेगा, हम लोग वी आर वर्किंग ऑन इट ओवर द पीरियड, तो देखते हैं क्या होता है उसके अंदर, अगर कुछ हो सकता है तो। राइट, एंड इसमें जो लाइट है, आई थिंक मैंने तो पहले ये लाइट देखी नहीं सर। इस एक्चुअली ये लाइट जो है ये प्लांटेड के लिए चलती है, उसके बीच में मेटल लाइट्स हैं, लेकिन वो हम लोगों ने ऑफ रखे हैं। ओके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी क्योंकि प्लांट्स नहीं है। राइट, तो ये हैंगिंग लाइट्स हैं, तो अभी इसके अंदर जो बेसिक जो इसके अंदर जो ट्यूब्स है वही चल रहे हैं, और उसका जो मिडिल का जो एक्चुअल जो उसका मेन लाइट है मेटल लाइट्स है, वो हम लोगों ने बंद रखे हैं अभी। ओके,
तो गाइज यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है, सर ने बोला कि सर ने यहाँ पे लाइट्स उतनी नहीं दी है क्योंकि प्लांट्स नहीं है। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, अगर आप बिना प्लांट्स कितनी लाइट दे देंगे तो एलगी भर भर के हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगा आपका टैंक, पूरा टैंक ग्रीन हो जाएगा, एलगी ब्लूम हो जाएगा। राइट राइट, तो लेट्स मूव टू द अदर टैंक। जैसे आप ये देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड डचस्केप, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स है इसमें, काफी सारे कलर्स हैं, आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्लांट्स हैं, छोटे बड़े, और उसका प्लेसमेंट जो है ना दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन डचस्केप, कि आप कौन सा प्लांट कहाँ पर प्लेस कर रहे हो और कहाँ पर अच्छा दिखेगा, तो वो उसका जो आपका मतलब यूएसपी वही है यहाँ पर, कि कैसा प्लांट कहाँ पर प्लेस करना है और कैसा कॉन्ट्रास्ट आएगा एक दूसरे के प्लांट्स में। राइट, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से किया हुआ है हाइड्रोकोटाइल, जिसको शेप देके एक ऐसा लुक किया हुआ है कि वो ग्लोब जैसा शेप दिया है राउंड, और इतना टॉलर ग्रो किया है उसे। मॉसेस में भी आप देखेंगे वुड के ऊपर एक प्रीमियम मॉस है जो आपका फिसिडेंस, जो फिनिक्स मॉस से जाना जाता है, फिसिडेंस क्रिस्पन्स समथिंग लाइक। हाँ, और आपका एक जो है ये क्रिसमस मॉस है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। काफी सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे और फिशेस भी काफी सारे हैं। राइट, इसमें बेसिकली जो आपका प्लेसमेंट है प्लांट्स का दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। राइट, तो गाइस एक बार और मैं बता दूं, ये डच स्टाइल एक्वास्केप है। राइट, इफ यू वांट टू लर्न मोर आप वेबसाइट्स ऑनलाइन आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, उसके लिए सैंपल्स बहुत सारे दिख जाएंगे, कई सारे टैंक्स दिख जाएंगे, तो इफ यू वांट टू गो विद अ डच स्टाइल आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। एंड डच स्टाइल के लिए जब प्लांट्स इतने सारे हैं तो सर आई थिंक बिना CO2 के तो काम चलने वाला नहीं है इसमें। CO2 तो रिक्वायर्ड ही है, जैसे अभी जितने सेटअप्स आपने कवर किए हैं अभी तक मेरे, उसमें सारों में ही अगर आप पेलेडोरियम अगर स्किप कर दे, उसके अलावा सारों में मेरे जिसने प्लांटेड टैंक से सारों में प्रेशराइज CO2 में दे ही रहा हूँ। राइट, बिकॉज प्रेशराइज CO2 आपको एक मैजिक इफेक्ट देगा। right. अगर आप एक टैंक कर रहे हो जो लोटेक है और ऑल ऑफ द सडन आप उससे अगर ट्रांजिशन लेते हो प्रेशराइज CO2 उसको दे देते हो, विद इन अ वीक आप फर्स्ट डे पे फोटो एक पिक्चर ले लो टैंक का, और मे बी वीक आफ्टर आप टैंक का पिक्चर लोगे आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि आपका टैंक इतना ब्यूटीफुल कैसा हो गया, गिवन दैट आप लाइट कितना अच्छा देते हो। जैसे अभी ये भी टैंक है डच स्टाइल, इस पे अभी जो मैंने लाइट लगाई हुई है वो एक इंडियन ब्रांड है, इट इज गुड। कुछ समय बाद मे बी ये RGBs भी लाएंगे, तो अगर आप RGB अगर इस टैंक पे देते हो तो ये प्लांट्स और अच्छे से कलर्स पॉप आउट होंगे। राइट, तो हमने लाइट की बात करी, ये इंडियन लाइट है, इसका नाम है, क्लोजअप दिखा देता एक बार, एरोवाना स्पेक्ट्रोग्लिफ। यस, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी मुंबई में है? मुंबई में ही है। ओके, और मेड बाय एन हॉबीस्ट, एक्वेरियम हॉबीस्ट, वो प्रोफेशनल लाइटिंग का ही काम करते हैं, उनका एक्चुअली फैक्ट्री है, एंड ही हैज मेड दिस लाइट फॉर अ प्लांटेड टैंक। वे टू गो फॉर दिस लाइट, जो टेक्सचरिंग है उसको और वो एनहांस कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स आर ग्रोइंग गुड ऑन दिस प्लांट। वही सब देख सकते हैं इस लाइट के अंदर प्लांट्स की कंडीशन हेल्थ कैसी है। तो लाइट की हम कॉस्टिंग की बात करें तो अप्रॉक्स कॉस्टिंग कितनी क्या हो सकती है, या कॉस्ट इफेक्टिव है बाकियों की लाइट से? कॉस्ट इफेक्टिव है काफी हद में, क्योंकि नया ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, तो ऑब्वियसली उस पर बहुत सारे जो ड्यूटी है वो नहीं लगती है, तो उस वजह से उन्होंने भी ऐसा प्लेटफॉर्म वो लाइट इस वजह से निकाला है।
कि हॉबीस्ट को कम कॉस्ट में जो स्टार्ट कर रहे हैं हॉबी, उनके लिए लाइट ये सूटेबल है काफी ज्यादा। और ऑब्वियसली आपका एस्टेब्लिश टैंक है उस पर भी ये सूटेबल है, क्योंकि मेरा टैंक इस पर काफी अच्छा है। राइट, तो ये जो लाइट्स है ये आई थिंक 3 फीट का टैंक है। यस, तो जो लाइट्स है वो 2 फीट या 1 फीट के लिए भी आती है ये वाली? यस हाँ, ये सारे इनके वर्जन अवेलेबल है। 1 फीट के लिए है, 1.5 फीट के लिए, 2 फीट के लिए है, 3 फीट के लिए है। अगर आपको उससे बड़ा चाहिए तो वो भी शायद से अवेलेबल हो जाएगा। और अगर किसी को ये लाइट ट्राई करनी है तो फिर मेरे पास ही अवेलेबल है। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू दिस मरीन टैंक ओवर हियर। मरीन टैंक अभी फिश स्टॉक इसमें सेल आउट हो गया है, लेकिन अभी के स्टेज पे उस पर एक डेमसिल है, ब्लू डेमसिल, और आप एक देख सकते हैं कि एक एनिमोन है ग्रीन कार्पेट। आई थिंक मरीन टैंक्स, आई थिंक जितना मुझे पता है, प्लांट्स के आई थिंक कंपैरिजन में और ज्यादा टाइम लेता है। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज होने की जरूरत है और थोड़ा टेस्टिंग वगैरह रिक्वायर्ड है। राइट, बाकी मरीन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना कुछ रॉकेट साइंस है। राइट, बेसिक है, उसके एडिटिव्स आते हैं, आप उसके ऊपर अगर पढ़ सकते हैं टेस्टिंग में कि ये कम है, कुछ कम है, तो उसको बढ़ाना कैसे, उसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ रहता है। तो एनीबॉडी कैन गो फॉर प्लांटेड और मरीन। ऑब्वियसली प्लांटेड थोड़ा सा मैनेजेबल है, मरीन में आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर सेटअप, मतलब इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप स्मार्ट वे से करते हैं और अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसके रिलेटेड, तो आप आराम से वो मैनेजेबल है, कर सकते हैं। आई थिंक आपने यानी कि एक्वा नेचर के प्रोडक्ट्स मरीन टैंक्स के लिए भी अवेलेबल हैं, राइट, इंक्लूडिंग सॉल्ट्स या लिक्विड या फर्टिलाइजर्स? सॉल्ट्स है मेरे पास, एक्वा नेचर का मरीन सॉल्ट है जो सिंथेटिक सॉल्ट आता है आपके मरीन टैंक का जो पानी जो बनाने के लिए, तो वो है मेरे पास। फिर आपके जो एडिटिव्स आते हैं समझे कोरलाइन एल्गी जो है वो मेरे पास है, उसके कुछ एडिटिव्स कैल्शियम है, वो सारा डोजिंग जो है वो मैं हम लोगों ने बनाया, वो तो हम देख लेंगे right. आगे राइट right. एंड बात करें मरीन फिशेस की तो वो भी आपके पास अवेलेबल होंगी? या मरीन फिश भी अवेलेबल होगी। ओके, यानी कि अगर मरीन टैंक किसी को बनाना है तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। yes. Including the fishes. Yes. Marine tanks में जैसे अभी आपको return pumps वगैरह लगते हैं, वो भी सारे मेरे पास रहते हैं। उसके अंदर आपको UV lights वगैरह लगते हैं, UV lights as in UV sterilizer, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। यूजली आपको जो रेगुलर नहीं मिलता है आपको आसानी से, या तो आपको ओवर द इंटरनेट ही जाना पड़ता है ढूंढने के लिए, तो जिसको अगर एकदम जल्दी में चाहिए कुछ और उसको इन हैंड देख के फिर लेना है एक्सपीरियंस करके, तो मेरे पास तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। राइट, जो बेसिक शॉप में नहीं मिलती है। राइट सर, तो लेट्स मूव टू अ डिफरेंट सेटअप। एज यू गाइस कैन सी दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और ये आपको एंट्रेंस में ही मिलेगा, जैसे ही आप एंटर होंगे ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा ये। एंड एक छोटा सा क्लोजअप लुक मैं आपको लिए डाल दूंगा, एंड बाकी हम संदीप सर से पूछते हैं कि इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया ये। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर स्ट्रीम बह रहा है, तो पानी ऐसे ट्रैवल करके यहाँ से फिर वो वहाँ पर बेड पे पहुँचता है जहाँ पर फिश है। तो ऑब्वियसली व्हाट द नेम सेज कि रिवर स्ट्रीम है, तो एक स्ट्रीम सेटअप है, रिवर बेड है मे बी, जिसके स्टोन्स के बीच में से पानी आपका फ्लो करके एक जगह पे जा रहा है, जहाँ पर मे बी एक लुक ऑफ जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो मे बी बिकॉज ऑफ टू मच रेनफॉल या हवे की वजह से गिर जाते हैं, तो वैसा एक लुक है जिसके ऊपर फिर प्लांट्स क्रीप करके ग्रो होते हैं। तो क्रीपर प्लांट्स हैं, हाइड्रोकोटाइल वैरायटी, वो कैसे ग्रो हो सकता है, मॉसेस कैसे ग्रो हो सकते हैं स्टोन्स के ऊपर वगैरह, वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और इसमें येट अगेन आप देख सकते हैं कि इंडोर प्लांट्स हैं, और वो उसके ब्यूटी को ऑब्वियसली और एड ऑन कर रहे हैं। तो गाइस मैं वैसे काफी सारी गैलरीज मैंने विजिट करी है इन स्टोर्स, एंड ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी यहाँ पे देखा है। आई थिंक अगर आप यूएस या यूरोपियन
हॉबीज के वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपने ऐसी स्टाइल्स देखी होंगी, बट इंडिया में शायद आपको किसी स्टोर में ऐसा नहीं मिलेगा। बट जहां मिलेगा वो है एक्वानेचर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप घर में बना सकते हैं, एक रिवर स्टाइल। एंड अगर आपने कोई ट्रॉपिकल एरियाज या फॉरेस्ट या स्ट्रीम्स विजिट करी है, रिवर स्ट्रीम्स देखी है, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है वहां पे। एंड उसी स्टाइल को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। एंड एज यू कैन सी, प्लांट्स सिर्फ यहाँ पे एक्वेटिक नहीं है, अगेन यू विल फाइंड टेरेस्ट्रियल एंड इंडोर प्लांट्स एज वेल। एंड इस टैंक के फिल्ट्रेशन की बात करें सर, तो वो कैसा होगा? इसमें एक्चुअली पानी कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहा है, ओके, एक एंड से सेकेंड एंड की तरफ, वही उसका फिल्ट्रेशन कर रहा है। इसकी खासियत ये है टैंक की कि आप इसमें वाटर चेंजेस इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें आपका मोस्टली इसमें आप सिर्फ फर्टिलाइजर आपको डोज करना है, मतलब मेंटेनेंस वैल्यू इसमें हार्डली एनीथिंग है। मतलब अभी तक मैंने भी इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस किया नहीं है, मैं रादर इसमें जो इवेपोरेशन होता है पानी का वही मैं सिर्फ ऐड करता हूँ, क्योंकि इसमें गंदा होता नहीं है पानी कंटिन्यूसली। वो इतना सॉइल है वहाँ पर, तो उसके थ्रू वो फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसका एक छोटा फिल्ट्रेशन बॉक्स है, उसके थ्रू खाली सर्कुलेट हो रहा है पानी। तो कंटिन्यूस, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सर्कुलेशन आपका टैंक क्लीन ही रहता है। मतलब एज इन, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसमें आपका एक बेटरमेंट है कि ये कोई भी घर में भी अगर करता है या कमर्शियल प्लेसेस में करता है जहां पर लोगों को मेंटेनेंस ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये सेटअप उनके लिए है। ये है पेलेटोरियम जो था, दोनों में ही आपका जो मेंटेनेंस जो टाइम है वो कट आउट हो जाता है, ज्यादा आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कुछ भारी भरकम फिल्ट्रेशन भी नहीं है कि आपको कैनिस्टर फिल्टर लगाना है या कुछ। राइट, एंड आई थिंक लाइट्स में आप नॉर्मल लाइट्स भी यूज कर सकते हैं, अगर हाँ दो लाइट्स हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। यस, आई थिंक मेंटेनेंस कम है। एंड इसके साथ आपको अगर इन प्लांट्स को जो ऊपर के जो प्लांट्स है थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ता है, वाटर स्प्रे। इसमें आप अभी नेस्टिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं, राइट, और एक स्प्रे सिस्टम आता है, ऑटोमेटिक स्प्रे, राइट, वो कुछ समय में मैं लगा दूंगा इसमें। मेरा प्लान है वो डालने का, तो आप वो डाल दोगे तो इसमें पूरा फॉरेस्ट लुक आ जाएगा, रेन फॉरेस्ट लुक। राइट, एक मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे मैं भी टेरेरियम्स वगैरह बनाता हूँ, मेरे पास इतने बड़े पैलेटोरियम्स नहीं है, बट आई थिंक जार्स वगैरह मैं उसमें बनाता हूँ, तो एक क्वेश्चन मेरा ये था कि हम उसमें स्प्रे करते हैं तो वो क्या वो आरओ वाटर होना चाहिए या फिर आप नॉर्मल टैप वाटर यूज कर सकते हैं? बिकॉज मेरा जो आता है हार्ड वाटर बहुत ज्यादा है, तो मैं अगर आउटडोर प्लांट्स में भी उसमें स्प्रे करता हूँ तो उसमें वो कैल्शियम या फॉस्फेट वो सब जम जाते हैं उसमें। तो क्या एनी प्लांट्स को भी आपको सिर्फ दूर से नहीं, अगर पास से भी अगर कोई देख रहा है, तो एपीरियंस वाइज हम आरओ वाटर स्प्रे करें या फिर जो आपके पास स्टैंडर्ड वाटर आ रहा है? हार्ड वाटर ऑब्वियसली आप प्लांटेड में ना करें स्प्रे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपके पास आरओ का अगर प्रोविजन है तो वो करिए, क्योंकि हार्ड वाटर अवॉइड करिए। हार्ड वाटर इज फॉर सम अदर फिशेस जहाँ पर जिनको थोड़ा सा पीएच हाई लगता है, लेकिन वेयर एज प्लांटेड टैंक में उतना हाई पीएच की जरूरत नहीं है, तो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। ये था एक्वानेचर सीरीज का पार्ट वन, जिसमें आपने सारे प्लांटेड टैंक्स देखे। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट एक्वानेचर एक्वेरियम प्रोडक्ट्स एंड वो सारे अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स एंड फूड जो आपको इस स्टोर पे मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज के लिए, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।